हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। तो दोस्तों, ये है हमारा एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू का पार्ट 26। इसके पहले टोटल 25 पार्ट कवर हो चुके हैं, उन सब में 20-20 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो ऑलरेडी 500 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस सर्किट में हमें V0 की वैल्यू और फाइंड करनी है कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ए पे हमें क्या है, नोड मान लेंगे। यहाँ पे पॉइंट ए पे एक नोड मान लेंगे। ठीक, इसको जो वोल्टेज होगा इसके, इसको हम मान लेंगे वी ए। ठीक, तो इस अब यहाँ पे क्या है, दो सोर्स हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक, सबसे पहले हम इस सोर्स को लेके चलेंगे, फिर उसके बाद इस सोर्स को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम इस सोर्स को लेके सॉल्व करते हैं। इस सोर्स के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वी ए इक्वल टू 0.5I0 इंटू 4 ओम। ठीक, उसके बाद हम इस सोर्स को लेंगे तो क्या आएगा, वी ए इक्वल टू I0 सॉरी 3 इंटू 4, कितना आ जाएगा, ये 12 वोल्ट। ये वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर 0.5I × 4 इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करेंगे तो I0 की वैल्यू आ जाएगी 6 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद हम निकाल लेंगे V0 की वैल्यू। V0 की वैल्यू क्या आएगा, I0 × 4, 6 × 4 इक्वल टू 24, सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एकदम सही। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, द करंट थ्रू एन एलिमेंट इन सोन फिगर, विच व्हाट इज द टोटल चार्ज दैट पास थ्रू द एलिमेंट एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। तो हमें बताना है टोटल जो चार्ज है वो कितना पास होगा टी इक्वल टू 3 सेकेंड तक। ठीक है, तो यहाँ तक बताना है हमें कितना चार्ज पास होगा। ठीक, हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एरिया 10 + 5 + 2.5 + 5, टोटल कितना आ जाएगा, 22.5 कूलम इतना चार्ज होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द चार्ज एंटरिंग अ सर्टेन एलिमेंट, द चार्ज एंटरिंग अ सर्टेन एलिमेंट इन शोन इन फिगर, द वैल्यू ऑफ करंट एट टी इक्वल टू 6 मिली सेकेंड इज, हमें टी इक्वल टू 6 मिली सेकेंड पर करंट करंट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब पर सेकेंड चार्ज, जितना चार्ज फ्लो होगा किसी भी एलिमेंट से वो क्या कहलाता है, करंट। तो यहाँ पे क्या है, और टाइम कितना है, 6 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से ही बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट होगी वो कितनी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 एम्पियर, बिल्कुल भी करंट पास नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4, अ लाइटनिंग बोल्ट विथ 10 किलो एम्पियर स्ट्राइक एन ऑब्जेक्ट फॉर 15 सेकेंड, हाउ मच चार्ज इज डिपोजिट ऑन द ऑब्जेक्ट। तो कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर 15 किलो एम्पियर की लाइटनिंग पड़ती है। ठीक है, तो कितने सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए। 10 किलो एम्पियर की जो लाइटनिंग पड़ती है वो कितने सेकंड के लिए पड़ती है, 15 सेकंड के लिए। ठीक है, तो कितना चार्ज होगा उस एलिमेंट में डिपॉजिट होगा, ये हमें बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सारे के सारे गलत दिए हैं। अब यहाँ चार्ज का क्यू बराबर क्या होता है, आई टी फॉर्मूला, यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी 150 किलो कूलाम। क्वेश्चन नंबर 5, ये सर्किट दिया है हमें, इसमें P1 की वैल्यू -205 वोल्ट, P2 की 60 वोट, P4 की 45 वाट एंड P5 की वैल्यू दी गई हमें 30 वाट। वॉट इज द
पावर रिसीव्ड और डिलीवर्ड बाय एलिमेंट 3, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो पावर का फॉर्मूला होता है उस क्या होता है, सिग्मा टी इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले हम रख के सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 इक्वल टू 0। तो P1 की वैल्यू क्या है, -205, प्लस P2 की वैल्यू क्या है, 60, P3 की वैल्यू फाइंड करनी है, P4 की वैल्यू 45 और P5 की वैल्यू 30 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो P3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 74। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, अ नेटवर्क विथ बी ब्रांचेस एन नोड एंड एल इंडिपेंडेंट लूप विल सेटिस्फाई द विच ऑफ फॉलोइंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला बताना है कौन सा फॉर्मूला सही होगा। बी ब्रांचेस है, एन नोड है और एल इंडिपेंडेंट लूप है, तो बी इक्वल टू एल प्लस एन माइनस वन, यही सही है। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी सेटिस्फाई केवीएल ऑफ सर्किट गिवन इन फिगर। हमें इसमें बताना कौन सी इक्वेशन है वो केवीएल के लॉ को सेटिस्फाई करती है इस सर्किट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पूरा एक कंप्लीट लूप है, हम शुरुआत यहाँ से करते हैं B1 से। तो पॉजिटिव से यदि करंट निकल रही है तो क्या आएगा, बी प्लस का आएगा, तो B1 प्लस B2। नेगेटिव से करंट बाहर जा रही है तो क्या आएगा, माइनस का V2 माइनस V3 प्लस V4 और माइनस V5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे B1 एंड B4 के साथ किसका प्लस में, तो क्या आएगा, V1 प्लस V4 इक्वल टू V2 प्लस V3 प्लस V5। तो ये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, V2 प्लस V3 प्लस V5 इक्वल टू V1 प्लस V4। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होता है, ऑप्शन ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में बोल रहा है फाइंड आर इक्वेलेंट फोर सर्किट शोन इन फिगर। इस सर्किट के लिए हमें आर इक्वेलेंट की फॉर्मूला वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या आएगा, ये दोनों किसमें, सीरीज में। तो हमारा जो नेट सर्किट बनेगा वो कैसे बनेगा, इस तरीके से, चार, ये दोनों सीरीज में, टोटल कितना हो जाएगा, 6 ओम। ठीक, ये दोनों किसमें, पैरेलल में। तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे, पहले इसको फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इसकी वैल्यू तो टोटल आ जाएगी 6 ओम। ठीक, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 × 3 किसमें है, ये पैरेलल में है, तो 6 × 3/9। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 ओम, तो यानी कि इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ओम। 2 ओम, 2 एंड 2 किसमें है, सीरीज में, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसकी टोटल वैल्यू 4 ओम हो जाएगी। ठीक, अब 4 ओम एंड 6 ओम किस में होंगे, ये होंगे दोनों आपके फिर से पैरेलल में, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो इतना सर्किट हमारा सॉल्व हो जाएगा इन दोनों, तो 4 × 6 किस में, पैरेलल में, तो कितना आएगा, अपॉन में 10, मतलब 12/5। ये क्या आ जाएगा आपका, इस पूरे का हमने इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, 12/5 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, उसको डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट, हाँ 2.4 ओम। ठीक, अब उसके बाद ये पूरा सर्किट की वैल्यू कितनी है, 2.4 ओम। तो 4 ओम, 2.4 ओम एंड 8 ओम किसमें है, ये हैं आपके सीरीज में, तो इनको सॉल्व करेंगे, 4 + 8 + 2.4, तो सही आंसर आएगा 14.4 ओम। क्वेश्चन नंबर 9, इन दिस सर्किट ऑफ फिगर इफ R3 डिक्रीज देन, यदि R3 की वैल्यू क्या है, कम हो जाती है, तो क्या होता है, करंट थ्रू
R3 decreases voltage across R3 decreases voltage across R1 decreases power dissipated in R2 decreases, तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए है ए एंड डी, करंट थ्रू R3 डिक्रीजेस, ये सही है? नहीं, वोल्टेज अक्रॉस R3 डिक्रीजेस, ये सही है, बी सही है इसका, ठीक है, और पावर डिसिपेटेड इन R2 डिक्रीजेस, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, बी एंड टी, ये दोनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अ नेटवर्क हैज 12 ब्रांचेस एंड 8 इंडिपेंडेंट लूप, हाउ मैनी नोड्स आर देयर इन नेटवर्क। तो अभी आपने फॉर्मूला देखा था, बी इक्वल टू होता है एल प्लस एन माइनस वन, तो यहाँ से हमें एल एन की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगी? बी माइनस एल प्लस वन, इसमें आप रख दीजिए ब्रांचेस कितनी है 12 और लूप कितने हैं 8 प्लस वन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो नोड कितने होंगे टोटल 5 होंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यदि आपका जो स्विच है वो पोजीशन वन में है तो हमें करंट की वैल्यू बतानी है, ठीक, तो एकदम सिंपल फॉर्मूला है इसमें, आई इक्वल टू बी अपॉन आर, तो वी की वैल्यू क्या है 40/100, तो क्या आ जाएगा सही आंसर 0.4 एम्पियर, किसी ऑप्शन में है किसी में नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 0.4 मिली एम्पियर दिया है, तो ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे सही आंसर होगा आपका 0.4 एम्पियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ वी डी एस अब एफ ई टी बिहेव एज अ वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स या करंट कंट्रोल रजिस्टर, तो सही आंसर क्या है? वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। क्वेश्चन नंबर 13, इन मॉस्फेट डिवाइसेस द एन चैनल टाइप इज बेटर देन द पी चैनल टाइप इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट, इट हैज बेटर नॉइज इम्यूनिटी, इट इज फास्टर, इट इज टी टी एल कंपेटेबल, इट हैज बेटर ड्राइव कैपेबिलिटी। राइट आंसर इज इट इज फास्टर। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ मॉस्फेट द पोलरिटी ऑफ द इन्वर्जन लेयर इज द सेम एज दैट ऑफ मेजोरिटी कैरियर इन द ड्रेन, माइनॉरिटी कैरियर इन द ड्रेन, मेजोरिटी कैरियर इन द सबस्ट्रेट, मेजोरिटी कैरियर इन द सोर्स, सही आंसर क्या है? मेजोरिटी कैरियर्स इन द सोर्स। क्वेश्चन नंबर 15, अ VJT इज सेट टू बी ऑपरेटिंग इन द सेचुरेशन रीजन इफ वो द जंक्शन आर रिवर्स वाइड वाइज, बेस एमिटर जंक्शन इज रिवर्स वाइज एंड बेस कलेक्टर जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज, बेस एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज एंड बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स वाइज, बोथ जंक्शन आर फॉरवर्ड वाइज, जब सेचुरेशन में होगा तो दोनों जंक्शन किस में होंगे? फॉरवर्ड वाइज में होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, द अर्ली इफेक्ट इन अ VJT इज कॉज्ड बाई फास्ट टर्न ऑन, फास्ट टर्न ऑफ, लार्ज कलेक्टर बेस रिवर्स वाइज, लार्ज एमिटर बेस फॉरवर्ड वाइज। राइट आंसर इज लार्ज कलेक्टर बेस रिवर्स वाइज। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू हॉल इफेक्ट द हॉल वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू डैश, वी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड आई इज द करेंट, द प्रोडक्ट ऑफ वी एंड आई, इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वी एंड आई, आई ओनली वी ओनली, किसके प्रोपोर्शनल होता है? द प्रोडक्ट ऑफ वी एंड आई के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द यूनिट ऑफ क्यू अपॉन के टी इज वोल्ट, वी इनवर्स,
जे जे अपॉन के, सही आंसर क्या है, वी इनवर्स। ये क्या होता है आपका, ये होता है थर्मल वोल्टेज एट 300 केल्विन किसी भी सेमीकंडक्टर का। क्वेश्चन नंबर 19, ड्रिफ्ट करंट इन सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, ड्रिफ्ट करंट सेमीकंडक्टर में किस पे डिपेंड करती है, ओनली दी इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली दी कैरियर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द कैरियर कंसेंट्रेशन, बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द कैरियर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। राइट आंसर इज ऑन द सॉरी बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द कैरियर कंसेंट्रेशन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, द डिफ्यूजन पोटेंशियल अक्रॉस अ पीएन जंक्शन, ऑप्शन ए डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग डोपिंग कंसेंट्रेशन, इंक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग वैन डर गैप, डज नॉट डिपेंड ऑन डोपिंग कंसेंट्रेशन, इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग इन डोपिंग कंसेंट्रेशन। राइट आंसर इज इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डोपिंग कंसेंट्रेशन। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पीकेआर टेक क्लासेस को तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।